फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं नील यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई रेगुलर चल रही होगी, आप लगातार इसी तरह अपनी पढ़ाई को जारी रखें ताकि आप प्रत्येक एग्जाम को पार कर सकें। अब बात करते हैं रीजनिंग से रिलेटेड। हमने कथन और निष्कर्ष के पार्ट्स देखे हैं और उसमें हमने तीन कथनों के बारे में बातें की हैं। हमने तीन कथनों में रिलेशन के बारे में बात की, सभी कथनों में रिलेशन, दो में रिलेशन, एक में नहीं, फिर हमने किसी भी कथन में रिलेशन ना होने की बातें भी हमने की थी। उसके बाद में मैं आगे बात करूंगा तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने जो लास्ट टाइम किया था उसका एक क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे, उसके कुछ एक निष्कर्ष हम थोड़े से डिफरेंट लेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव निष्कर्ष की बात कर लेंगे, नेगेटिव कथन की हम बात कर लेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, ध्यान देना। और ये जो चैप्टर है, देखो मैं फिर बताऊंगा, एक एग्जाम में 5 अंकों का पूछ लिया जाएगा और अगर आप इसको नहीं कर पाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी, हम कंपटीशन से बाहर चले जाएंगे। तो इसकी प्रत्येक वीडियो जिसने नहीं देखे, ध्यान देना, इसका जो पार्ट नहीं देखा है वो प्रत्येक पार्ट देखें। मैंने इसको बड़ी आसानी से आपको करवाया, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे लेकर चला हूं मैं, तीन तीन चार चार क्वेश्चन आपको ढंग से समझाए हैं, तो आप एक बार उनको करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं क्लियर आपको बोल के चल रहा हूं, आप लगातार इस पे प्रैक्टिस करना, जितने वीडियो आपके आते हैं, जितने पार्ट्स आपके पास ये बन के निकल रहे हैं, आप इनको कंटिन्यू करके और कंप्लीट आपको समझना है, कंप्लीट आपको करना है, ठीक है। अब देखो मैं चलता हूं अपने क्वेश्चंस पे, तो ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करेंगे कथन, आपके पास आता है सभी आर के हैं, कुछ के टी हैं, कुछ टी एम। इससे निष्कर्ष निकल के आया सभी आर टी हैं, कुछ एम के हैं, कोई एम टी नहीं है, सॉरी कोई एम के नहीं है, ये ले लो। इसके बाद हमने लिया सभी आर के हैं, जो भी लगातार हमारे जो कथन और निष्कर्ष वाला जो चैप्टर है इसके लगातार पार्ट्स बन के निकल रहे हैं, जो भी पार्ट लगातार देख के चल रहा है, जिसने नहीं देखे हैं मैं उनको एक बार फिर बोलूंगा कि वो पीछे वाले पार्ट्स एक बार देखेंगे तो आपको पूरा समझ आएगा, बट आप इसी अकेले को देखेंगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बट जो लगातार करते चल रहे हैं, जो लगातार प्रत्येक पार्ट को पढ़ते हुए चल रहा है, वो इसकी प्रैक्टिस साथ करें, इस वीडियो को यहीं पे यूज करें, एक बार आप अपना करके देखें कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है, कौन सा निष्कर्ष हमारा गलत है। उसके बाद में जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप इसका मिलान कर सकते हैं कि हमने कौन सा सही किया, कौन सा गलत किया, और जो हमारा गलत हुआ वो क्यों हुआ, हमारा गलत नहीं होना चाहिए था, ये मैंने गलती की और ये मेरे को गलती इसमें नहीं करनी चाहिए, ताकि आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाओ। मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि आप इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन गलत ना करें, ठीक है। अब यहां पर मैं बात करूंगा तो आपने पीछे भी आपने देखा था कि हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए कंडीशंस हैं, रिलेशन बनाने से संबंधित, रिलेशन किस तरह से बनता है, रिलेशन अगर बनता है तो क्या होता है, रिलेशन किस तरह नहीं बनता है, और रिलेशन नहीं बनता है तो क्या होता है, ये चीजें हैं आपके सामने। मैं प्रत्येक वीडियो में डालता आ रहा हूं, प्रत्येक वीडियो में आपके सामने दे रहा हूं कि भाई रिलेशन बनने के लिए सबसे पहले आपके पास में कुछ कॉमन होना चाहिए और कॉमन होने के साथ साथ इनका योग कितना बनना चाहिए, 150 बनना चाहिए। फर्स्टली हमने ये देखा, इसके बाद मैं बात करूंगा कथन और निष्कर्ष में 150 से रिलेटेड। तो हमारे पास कोई कथन अगर 100 है, निष्कर्ष में जाके वो 50 बन रहा है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन हमारे पास अगर कथन 50 है और निष्कर्ष में जाके 100 बन रहा है तो वो हमने नहीं बनाना। तो ये चीजें हम प्रत्यक्ष में देखते आ रहे हैं और इन्हीं पे है पूरा चैप्टर, इन्हीं पर डिपेंड कर रहा है, तो ये चीज आपके माइंड में है। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी वाला 100, पीछे वाला 50, कुछ वाले दोनों ही आपके 50, कुछ वाले दोनों ही आपके 50, ठीक है। अब सभी वाला 100, पीछे वाला 50, कुछ वाले आपके दोनों 50,
कोई नहीं, नेगेटिव मतलब दोनों कितने होंगे, 100-100 होंगे। इसी तरीके से सभी और ये 50। और जो रेगुलर कर रहे हैं, मैं चीज और बोल रहा हूं, जो रेगुलर कर रहे हैं वो 150 का रोल खत्म करने की कोशिश करें। ये पर कंप्लीटली हम तीन कथन पढ़ने के बाद इसके हम कुछ इक्वेशन प्रैक्टिस के लिए करेंगे जिसमें 150 का रोल आपको बिल्कुल खत्म करना है, ठीक है। अब मैं 150 इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपको कहीं कंफ्यूज है ना, वो कंफ्यूज आपका क्लियर हो जाए। अगर हम यहां पे नहीं डालेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी, बट आप कोशिश करें कि आपको ये 150 केवल माइंड में ही सेट रहे, आप इनका नोटबुक और पेन का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। अब देखें हम सबसे पहले हमारे पास जो तीन कथन है, इन तीनों कथनों में रिलेशन से संबंधित बातें हमें करनी है। रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले जो फर्स्टली दो कथन है, उन दोनों कथनों का हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन उनका योग 150 है या फिर नहीं है। तो फर्स्टली हमने दोनों के बारे में बातें की, दोनों में बिल्कुल कॉमन फैक्टर मिला कौन के, लेकिन इन दोनों का योग किया तो कितना बना, 100 नहीं बना। अब फर्स्ट और सेकंड कथन में रिलेशन नहीं है, हमने सेकंड और थर्ड के बारे में बातें की, सेकंड और थर्ड में दोनों में कॉमन फैक्टर फर्स्ट टी, लेकिन दोनों का योग करने पे वही कितना बना, 100, लेकिन हमने योग कितने की आवश्यकता है, 150 की। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड में रिलेशन नहीं बना, सेकंड थर्ड में भी रिलेशन नहीं बना। और जब मैंने बताया इन तीनों कथनों में जैसे फर्स्ट और सेकंड हमने मैच किया, फिर सेकंड और थर्ड हमने मैच किया, अगर रिलेशन नहीं बनता है, फर्स्ट सेकंड में नहीं बना, सेकंड थर्ड में नहीं बना, तो एक बार आपको प्रत्येक क्वेश्चन में फर्स्ट और थर्ड कथन में रिलेशन चेकआउट करना होगा। अब हमने फर्स्ट और थर्ड में मैच किया तो इन दोनों में तो कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, अगर कॉमन फैक्टर है ही नहीं तो रिलेशन नहीं बनना है। इसका मतलब यहां से एक चीज क्लियर होती है कि किसी भी कथन में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। और आपको कंप्लीटली आपने देखा है पीछे वाले में, पीछे वाले जो पार्ट था उसमें हमने देखा है, जब आपके पास तीनों कथनों में रिलेशन ना बने तो आपका कोई भी दो कथन मिलके निष्कर्ष नहीं दे पाएंगे। कोई भी दो कथन यहां पे मिलके आपके सामने यहां पे आते हैं तो आप उनको बिल्कुल सीधा गलत कर सकते हैं। तो वही चीज आपके सामने है, इसने कहा सभी आर टी हैं। सबसे फर्स्टली आर और टी के बारे में हम देखेंगे, तो आर और टी, आर आपका फर्स्ट में है, टी आपका सेकंड कथन में है, ये दोनों तो आपस में मिलके आ ही नहीं सकते हैं यहां पे। अगर दोनों मिलके आते हैं तो आपको देखते ही गलत करना है, ये तो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। जब दो कथनों में रिलेशन नहीं है तो वो दोनों कथन साथ ही नहीं हो सकते हैं, वही बात आगे, दो परिवार है, भाईचारा नहीं है तो साथ नहीं होंगे, भाईचारा है साथ आ जाएंगे, भाईचारा नहीं है तो साथ नहीं आ सकते हैं, गलत करो इसको। इसके बाद कुछ एमके हैं, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग आपके कथन हैं, ये दोनों आपके रिलेशन ना बनने के कारण यहां पे साथ ही नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब ये आपका क्या होता है, गलत होता है। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो इसने कहा कोई एमके नहीं है। एम और के की बात करें तो सबसे फर्स्टली हमारे पास ये साथ नहीं होने चाहिए, सेकंड यहाँ पे गलत होते हैं क्योंकि एम यहाँ पे 50 से 100 बन रहा है, के यहाँ पे 50 से 100 बन रहा है, तो ये भी आपका सही नहीं, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। थर्ड की बात अगर हम करें तो इसने कहा सभी आर के हैं। आर और के की मैं बात करूं तो फर्स्ट वाले कथन में दोनों दिख रहे हैं, और जब दोनों एक ही कथन में होते हैं तो हमने यहाँ पे रिलेशन से तो कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी साथ ही बैठे हैं, यहाँ पे भी साथ ही होने चाहिए। अब ये यहाँ पे हम देखेंगे तो के देखे, ये वहां पे कौन सा था भाई, आर के है। अब आर और के की हम बात करेंगे तो आर यहाँ पे 100 था, यहाँ पे भी 100 है, के यहाँ पे 50 था, यहाँ पे भी 50 है, ये आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। अगर यहाँ पे बन के निकल जाए सभी के आर है तो हमने बताया है सभी आ गया तो 100 होगा, पीछे वाली वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। अब देखा आपने के यहां पे कितना था, 50, और के यहां पे कितना बना, 100। अगर 50 से 100 बना तो ये वाली वैल्यू 7 तो है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन के यहां पे 50 से 100 बना और 50 से 100 अगर बनता है कोई कथन हमारे पास 50 और निष्कर्ष में जाके 100 बन जाए तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहां से हम बात करें तो एक चीज और चेक करनी है, देखो चाहिए हमारे पास चार कथन निष्कर्ष दे दे, चाहिए पांच निष्कर्ष दे दे, लेकिन फर्स्टली जो भी हैं उनमें थोड़ा सा हमने या के किसके बारे में देखना है, जब आपको कोई कथन कैसा जाता है, नेगेटिव आ जाता है।
हमने यहां से देखा, देखो मैच करवाएगी दोनों के बारे में थोड़ा देखना। आपके पास एम है, के है, एम है और के है। दोनों निष्कर्ष में जो दो वैल्यूज यहां पे दी गई हैं वो दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है। जब ये दोनों सेम होती हैं और दोनों ही गलत होती हैं, कंडीशन वही है, जब दोनों सेम हैं और दोनों ही गलत हैं, तो इसका मतलब यहां पे आपके पास कौन सा केस बन जाता है, या का। मतलब ये जो दो आपके पास हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये जो दो आपके सेकंड और थर्ड वाले निष्कर्ष हैं, इन दोनों में या का केस बन रहा है, तो इस या वाले में गलती मत कर देना, इस पे आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देना। कहीं या का केस बन रहा हो और उसमें या का ना बनाए, इसको गलती बना दे, तो हम क्वेश्चन तो सही करके आ रहे हैं, हमने निष्कर्ष तो सही बताए हैं कि गलत कौन सा और सही कौन सा है, लेकिन ऑप्शन के चक्कर में आके हम पूरा गलत कर बैठते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जहां या का केस बनता है वहां पे या के केस में बना के इसको आंसर देना है, इस चीज के बारे में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब थोड़े नेगेटिव कथन वाले क्वेश्चन हम यहां पे डाल लेते हैं। जैसे आपके पास आ गया, सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेंसिल मार्कर हैं, कोई मार्कर कलम नहीं है। निष्कर्ष, सभी पेन मार्कर हैं, कोई पेंसिल कलम नहीं है, सभी पेंसिल कलम है, कुछ मार्कर पेंसिल है। देखो यहां पे अगर हम बात करें तो जब भी हमारे पास कोई कथन कैसा आता है, नेगेटिव आता है, तो हमने इस नेगेटिव कथन के बारे में पहले भी देखा है, और वो हमने जहां देखा था जब हमारे पास दो निष्कर्ष की बातें चल रही थी, लेकिन अब की बार हमारे पास निष्कर्ष कितने हैं, तीन, चाहे वो तीन है, सॉरी कथन हमारे पास तीन है, चाहे वो तीन कथनों की बात हो चाहे वो दो कथनों की बात हो, आपके पास कौन सा कथन आता है, नेगेटिव कोई आता है। तो देखो पीछे भी हमने देखा था नेगेटिव पॉजिटिव में हमने क्या देखना है, हमने बड़ी मतलब ढंग से देखा था किस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव को हमने फॉलो करना है, किस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव हमने देखना है, किस तरीके से हमने नेगेटिव पॉजिटिव को सही देखना है और किस तरह से हमें उसको गलत कर देना है। मैं एक बार वापस वहां पर रिपीट करके चलूंगा। यहाँ पे चाहे वो तीन कथन की बात करें चाहे वो दो कथनों की बात करें, हमने एक चीज, दो चीजें ध्यान रखनी है। जब हमारे पास कोई कथन हो पॉजिटिव, कौन सा कथन हो, पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव कथन हमने नेगेटिव निष्कर्ष दे रहा है, तो वहां कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये मैंने पहले बताया और मैं एक बार फिर क्लियर करूंगा, हमारे पास अगर निष्कर्ष नेगेटिव होता है तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव के केस में नहीं फंसना है। मैंने बताया था जैसे ये नेगेटिव निष्कर्ष है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का तो रोल ही नहीं है, लेकिन जब हमारे पास कोई कथन नेगेटिव है और उस नेगेटिव कथन से पॉजिटिव निष्कर्ष निकल रहे हैं, तो आपको ये चीज कभी सही नहीं करनी है, हमेशा क्या करनी है, गलत करनी है, कि नेगेटिव कथन से कभी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकाल के देना है। अगर आपने ये कर दिया तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। बस वो कब देखना है, जब हमारे सामने कोई नेगेटिव क्या आता है कथन, कभी वो नेगेटिव कथन पॉजिटिव निष्कर्ष ना बना के दे रहा हो, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर गलत हो जाएगी। आप थोड़ा ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, हमने इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में मैच करना है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो वही सेम बातें हैं, हैंडेड होगा सभी वाला, बैक वाला पीछे वाला 50, सभी हैंडेड पीछे 50। इसके बाद में नेगेटिव अगर कोई कथन आता है तो वो दोनों कितने बन जाते हैं, हैंडेड हैंडेड बन जाते हैं। अब इसी तरीके से सभी 50 हो गया, नेगेटिव दोनों हैंडेड है, ये हैंडेड 50, ये
कथन आपका है, सॉरी कुछ वाले दोनों किसे होंगे 50-50 होंगे। फर्स्टली चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन होगा, फर्स्टली जो कंडीशन है वो यही है, हमने रिलेशन चेक आउट करना। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास तीन कथन है। अब यहाँ पे फर्स्ट दो कथनों में आपने रिलेशन चेक आउट करना है, तो आपने देखा सबसे पहला जो आपका था दो कथनों में कॉमन फैक्टर होना, बिल्कुल कॉमन फैक्टर पेंसिल था। रिलेशन के लिए दोनों का योग 150 बनना चाहिए, बिल्कुल 150 बना। फर्स्ट दो कथनों में रिलेशन है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। जैसे हमने दो कथन देखे, हमने इसके बाद में सेकंड और थर्ड पे फिर रिलेशन चेक आउट करना है। अब आपने देखा दोनों मार्कर है, दोनों का कॉमन फैक्टर मार्कर हमें मिला, इसके बाद इन दोनों का योग करने पे 150 बना। दोनों का योग किया, बिल्कुल 150 बन गया। इसका मतलब ये निकला कि हमारे पास तीन कथन है और तीनों कथनों में बिल्कुल तीनों में आपसी रिलेशन है। और जब रिलेशन है तो इसका मतलब कोई भी कथन कहीं उठ के जाके हमें निष्कर्ष दे सकता है, हमने वहां से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से हम बात करेंगे निष्कर्ष में, तो निष्कर्ष आपको यहाँ पे जब भी कोई कथन कैसा दिख जाता है नेगेटिव, तो वहां पे आपके पास ध्यान देना इस चीज के बारे में, वहां पे आपके पास कोई निष्कर्ष अगर नेगेटिव है तो वहां पे आपको कोई समस्या नहीं है, उसको नेगेटिव पॉजिटिव केस में हमें देखना ही नहीं है। जैसे यहाँ पे आपके पास कोई पेंसिल कलम नहीं है, ये नेगेटिव निष्कर्ष आया, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव में हमें नहीं फंसना है, हमने तो सीधा क्वेश्चन करना है। लेकिन जितने भी पॉजिटिव यहाँ पे निष्कर्ष निकलते हैं उसको बिल्कुल मैच करना होगा, और मैच क्या करना होगा, कहीं गलती से इसने नेगेटिव कथन से पॉजिटिव निष्कर्ष ना निकाल दिया हो। अब देखें हम यहां पे इसने कहा सभी पेन मार्कर है, पेन और मार्कर की बात की जाए तो पेन फर्स्ट वाले कथन में, मार्कर सेकंड वाले कथन में, ये दोनों यहां पे साथ नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, रिलेशन बना था हमने इस चीज से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है साथ आने में। हमने एक बार 150 का रूल चेक करना है। अब आपने देखा पेन यहाँ पे 100 था, यहाँ पे भी 100 है, मार्कर यहाँ पे 50 था, यहाँ पे भी 50 है, मतलब दोनों सेम है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, साथ आ सकते हैं। साथ आने के बाद में जो वैल्यूज है वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंट इसने नहीं बनाया, इसका मतलब ये बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट वाले ने कहा कोई पेंसिल कलम नहीं है। अब एक चीज और देखनी थी, यहाँ पे कहीं नेगेटिव से पॉजिटिव ना बना दे, तो यहाँ पे तो दोनों ही पॉजिटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगले ने कहा कोई पेंसिल कलम नहीं है, पेंसिल और कलम दोनों अलग अलग थे, यहाँ पे साथ आए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आने दो साथ यहाँ पे, अब क्योंकि इनमें रिलेशन था। अब यहाँ पे पेंसिल 100 100, ये कलम 100, ये भी 100, अब ये दोनों साथ आ सकते हैं, ये कंफर्म हुआ, दोनों आपके पास वैल्यू बिल्कुल सेम है। अब ये निष्कर्ष कैसा है, नेगेटिव है। अब अगर नेगेटिव है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, हमें पॉजिटिव नेगेटिव में फंसना ही नहीं है। जब आपके पास कोई निष्कर्ष नेगेटिव होगा, बस यहाँ पे ये देखना है कि ये साथ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। सेकंड, कहीं वैल्यू 50 से 100 ना बना दी गई हो, तो ये तो दोनों ही वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये वाला आपका बिल्कुल क्या होगा, सेकंड वाला निष्कर्ष राइट होगा, सही होगा। थर्ड की मैं बात करूं, इसने कहा सभी पेंसिल कलम है, पेंसिल कलम अलग थे, साथ हैं, हो सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसने 100, बिल्कुल ये भी 100 है, इसके बाद ये कलम 100 से 50 है, देखो 100 से 50 बनी, बन सकती है, क्योंकि 100 से 50 हम बना सकते हैं। अब ये हमने देखने को बिल्कुल सही लग रहा है कि बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि निष्कर्ष जब आपका पॉजिटिव होता है तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव देखना। अब ये पॉजिटिव था, हमने देखा कि हमारे पास पेंसिल पॉजिटिव कथन में थी, पॉजिटिव निष्कर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कलम है वो नेगेटिव है, कलम कैसा कथन था, नेगेटिव था, लेकिन ये कैसे में आ गया, पॉजिटिव निष्कर्ष में आ गया। नेगेटिव कथन पॉजिटिव जब निष्कर्ष देगा तो उसको सही नहीं करना है, उसको हमेशा क्या करना है, गलत। देखो ये वाली कंडीशन लागू होगी, कोई भी कथन नेगेटिव से पॉजिटिव निष्कर्ष निकाल रहा है तो उसको सही नहीं करना है, हमेशा क्या करना है, गलत करना है, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लास्ट की मैं बात करते, इसने कहा कुछ मार्कर पेंसिल है, मार्कर और पेंसिल आपके सेकंड वाले में, देखो दोनों के दोनों एक जगह पे हैं, दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्कर आपका 50 था, 50 है, पेंसिल 100 से 50 बनाई, जो बन सकती है आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। आई होप ये आपकी बात समझ आई होगी, मैं इक्वेशन और डाल रहा हूं। देखो अगला, सभी
एम जी हैं, सभी जी आर हैं, कोई आर एफ नहीं है। सेम डाला मैंने इक्वेशन, आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे इसकी भी। निष्कर्ष है सभी एम एफ है, कोई एम आर नहीं है, कुछ एफ जी है, कोई जी एफ नहीं है। इसके बाद सभी आर जी हैं। ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, जो साथ साथ चल रहे हैं वो एक बार इसको यूज करके प्रैक्टिस करें। मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस में भी बताया आपको कि आप करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो गलती मैंने की वो क्या की, या फिर मैं बिल्कुल सही हूं। अगर गलती की तो मेरे को क्या नहीं करनी चाहिए थी, चीज क्लियर होनी बहुत ही आवश्यक है इस चैप्टर के लिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन करने की, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 150 के बारे में देख लेना है। अब ये आपके पास 100, ये 50, ये 100, ये 50, नेगेटिव दोनों 100। अब इसी तरीके से ये 100, ये 50, नेगेटिव दोनों 100, कुछ वाले दोनों 50, 100, 100, ये 100, ये 50। ठीक है, फर्स्टली हमने जो तीन कथन हमें दिए गए, इन तीनों कथनों में आपको क्या चेकआउट करना था, रिलेशन। अब रिलेशन के लिए फर्स्ट में दोनों क्या है, कॉमन है जी, दोनों का योग 150 बना, बन गया रिलेशन। सेकेंडली आपके ये दोनों भी क्या है, कॉमन है, दोनों का योग 150 है, बन गया रिलेशन। इसी तरीके से तीनों कथनों में आपसी रिलेशन यहाँ पे बन जाता है, और जब आपसी रिलेशन बन जाता है उसका मतलब आपको पता है, कोई भी दो कथन आपस में मिलके हमें यहाँ पे निष्कर्ष दे सकते हैं। अब यहाँ पे इसने कहा सभी एम एफ है, एम और एफ दोनों अलग अलग थे, साथ आ सकते हैं क्योंकि रिलेशन तीनों में था। अब ये एम है 100, 100, ये एफ है 100 से 50, सही है, यहां तक बिल्कुल राइट था। लेकिन जब आपका पॉजिटिव निष्कर्ष है तो हमें चेकआउट करना है, एम पॉजिटिव पॉजिटिव, एफ नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव था एफ, लेकिन यहां पे एफ कैसा बन गया, पॉजिटिव, जो हम नहीं बना सकते हैं। ये चीज ध्यान देना, जो गलती होगी वो यही होने वाली है, जो गलती आप ट्यूशन में करेंगे इस टाइप के वो आप यही करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव में फंसेंगे। आपको नहीं फंसना है, आपको मिलान करना है यहाँ पे कि एफ नेगेटिव था, नेगेटिव से पॉजिटिव बन रहा है, जो हम नहीं बना सकते हैं, अगर बना दिए तो गलत होंगे। अब ये आपका बिल्कुल क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगले वाले में कोई एम आर नहीं है, एम और आर दोनों अलग अलग थे, साथ आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एम की बात करें 100 था, 100 है, आर की बात करें 50 था, 50 से 100 बन रहा है, 50 से 100 बनने का मतलब गलत हो गया, 50 से 100 बना ही नहीं सकते हैं। कथन 50, निष्कर्ष में 100 बनेगा, गलत हो जाएगा। एक चीज और देखना, आपके माइंड में अगर आती है तो उसको फिर क्लियर करना, मैंने पहले भी बताया है। आप सोचोगे आर ये तो 50 है, लेकिन आर नीचे वाला 100 भी तो है, आप ये 100 से ये 100 तो बना ही सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। जब आपके पास नजदीक वाले दो कथन है, उन नजदीक वाले दो कथनों से ही आपको चेकआउट करना है। जो आपका तीसरा कथन में आर है, इस आर का इस एम के साथ कोई रोल नहीं रखना है, आपके नजदीक वाले एम और आर के बारे में देखना आपको, और वहीं से आपको आंसर क्लिक करना होगा, वहीं से आपको चेकआउट करना होगा। आप देखेंगे हम आगे, इसने कहा कुछ एफ जी है, एफ और जी दोनों अलग अलग थे, साथ आगे, लेकिन एफ एक नेगेटिव है, नेगेटिव से एफ यहाँ पे पॉजिटिव निष्कर्ष में आ रहा है, और नेगेटिव से पॉजिटिव बना ही नहीं सकते हैं, गलत हो गया। अगले वाले में कोई जी एफ नहीं है, जी और एफ दोनों डिफरेंट थे, दोनों अलग थे, साथ आ गए, ये 100, ये 100, यहाँ पे दोनों ये भी 100 ही है। अब ये तो सेम है, नेगेटिव है, तो हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों साथ आने चाहिए, आ सकते हैं बिल्कुल, उसके बाद में दोनों की वैल्यू सेम है, तथा नो निष्कर्ष में कोई चेंज नहीं की गई, इसका मतलब ये आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट में कहा सभी आर जी हैं, आर और जी दोनों एक ही कथन में थे, दोनों साथ हैं, यहाँ पे भी साथ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब आपके पास आर 50 था, लेकिन आर यहाँ पे 100 बन रहा है, 50 से 100 बनेगा, गलत करना है, ये तो सही हो ही नहीं सकता है। आपको ये क्वेश्चन भी ढंग से समझ आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो
आपके पास आ गया, सभी जी टी हैं, कुछ टी एम है, कोई एम एल नहीं है। निष्कर्ष होगा सभी जीएम हैं, कुछ टीएल हैं, कोई एलटी नहीं है, कुछ टीजी हैं, कुछ एमटी हैं। एक इधर डाल लेते हैं, कोई एलएम नहीं है। ठीक है, ये आपके निष्कर्ष हैं, ध्यान देना है यहां पे। ये छह निष्कर्ष हमने चेकआउट करने हैं। फर्स्टली हमने क्वेश्चन को चेक किया और हमने क्वेश्चन में वो ही चीज देखनी है कि आपके पास रिलेशन बना या नहीं बना। अब हम यहां से अगर चेकआउट करेंगे तो सभी वाला 100, पीछे वाला 50, दोनों कितने होंगे 50-50 होंगे, ये दोनों कितने होंगे 100-100 होंगे। अब फर्स्टली इनकी भी बात कर लेते हैं, तो ये सभी 150, ये आपके पास दोनों ही 50, दोनों ही 100, आपके पास दोनों ही 50, ये आपके पास दोनों ही 50, और ये दोनों ही कितने होते हैं 100-100 हो जाते हैं। फर्स्टली आपके पास जो तीन कथन आपने देखे, इन तीनों कथनों में रिलेशन की बात सामने आई कि तीनों कथनों में रिलेशन बना या फिर नहीं बना। हमने फर्स्टली दो कथनों के बारे में देखा, दोनों टी हैं, दोनों का योग देखने पे 100 बना, मतलब रिलेशन दोनों फर्स्ट में नहीं बन पाता है। फर्स्ट दो कथनों में रिलेशन नहीं बना, तो हमने अगले दो कथन फिर चेकआउट किए। इन दोनों में हमने देखा दोनों एम है, दोनों का योग 150 है, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड में नहीं बना था, सेकंड थर्ड में बन गया। तो ये दोनों कथन आपस में मिलके आपको निष्कर्ष दे सकते हैं, क्योंकि इन दोनों कथनों में रिलेशन बना है। अगर इन दोनों में बना है तो फर्स्ट वाला कथन इनके साथ रिलेशन में नहीं था, तो फर्स्ट वाला कथन इन दोनों के साथ मिलके आपको निष्कर्ष नहीं दे पाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट वाला इन दोनों के साथ कहीं आता है तो आपको देख के गलत कर देना है कि फर्स्ट वाला कथन इन दो कथनों के साथ रिलेशन नहीं बनाए, और नहीं बनाए तो इनके साथ ये यहाँ पे निष्कर्ष में नहीं आ सकता है। अब आपने देखा सभी जी एम है, जी फर्स्ट में, एम सेकंड में। जी और एम में रिलेशन, क्योंकि फर्स्ट में रिलेशन ही नहीं था, और रिलेशन नहीं था तो ये दोनों अगर यहाँ पे साथ हैं तो आप देखते ही गलत करोगे, क्योंकि जब अगर फर्स्ट का इनके साथ रिलेशन होता तो ही ये साथ आ सकते थे। लेकिन जब फर्स्ट का इनके साथ रिलेशन ही नहीं है, अगर रिलेशन नहीं है तो आपको इनको साथ भी नहीं करना है। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल रॉन्ग है। सेकेंड, इसने कहा कुछ टी एल है, टी और एल की मैं बात करूं, दोनों अलग अलग थे, साथ आ सकते हैं क्योंकि दोनों में रिलेशन था, और ये 50, ये 50, एल 100 से बन गया 50, साथ आ सकते थे, कंडीशन भी सेम थी, कंडीशन भी कुछ ठीक थी, लेकिन गलती जो हुई वो कहां पे हुई, एल आपके पास 100 था देखो यहां पे, और एल 100 से यहां पे कितना बन गया 50 बन गया। अगर 100 से 50 बन गया तो वो सही है, लेकिन यहां पे ये कैसा था, नेगेटिव था, नेगेटिव से कितना पॉजिटिव, नेगेटिव कथन पॉजिटिव निष्कर्ष तो दे ही नहीं सकता है, बिल्कुल क्या होगा रॉन्ग। जो गलती हुई वो कहां हुई पता लग गया होगा, क्योंकि कथन नेगेटिव और वो कथन पॉजिटिव निष्कर्ष दे रहा है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव दे रहा है तो हमने क्या करना है, गलत कर देना है। अगले में बताया कोई एल टी नहीं है, एल ओ टी की अगर मैं बात करूं साथ आ सकते हैं, लेकिन यहां पे ये 100 था, 100 है, लेकिन टी 50 था और यहां पे 100 बना, इसका मतलब ये आपको गलत करना है। यही पे चेकआउट करें हम दोनों में, दोनों सेम है एलटी और दोनों ही गलत है। जब दोनों सेम और दोनों ही गलत है तो इन दोनों के अंदर या का केस बन गया। ये अगर हम साथ साथ देख के चल लेंगे कथन में, अगर साथ साथ देख लेते हैं तो हमें थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव में भी नहीं फंसेंगे, आसानी से हम अपना क्वेश्चन भी कर देंगे कि भाई इन दोनों में या का केस बन रहा है। अगले वाले में देखा हमें कुछ टी जी है, टी और जी के बारे में बात करें, दोनों एक ही कथन में थे, इनको रिलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो पहले ही साथ बैठे हुए हैं।
अब ये आपके पास दोनों 50-50 हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि ये तो गलत हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट में इसने बताया कुछ एमटी हैं, एमओटी की मैं बात करूं तो दोनों देखो एमओटी एमओटी दोनों एक ही जगह पे हैं, दोनों 50 हैं, ये भी आपका सही होगा। अगले वाले में इसने कहा कोई एल एम नहीं है, एल और एम ये भी दोनों एक ही जगह पे, एल और एम दोनों यहां पे नेगेटिव, दोनों यहां पे नेगेटिव, दोनों यहां पे 100, दोनों यहां पे 100, इसका मतलब ये वाला भी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो यहां पे जो आपने देखे ही निष्कर्ष आपने देख लिया कि जो गलत हुए वो गलत क्यों हुए, उन गलत के बारे में आपने देखा था कि भाई ये दोनों साथ नहीं आ सकते, गलत हुआ। ये दोनों साथ आ सकते थे लेकिन यहाँ पे दोनों नेगेटिव से पॉजिटिव बने, गलत हुआ। यहाँ पे आपने देखा कि भाई ये साथ तो आ सकते थे लेकिन टी 50 से कितना बन गया, 100 बन गया, और 50 से अगर 100 बना तो वो हमने सही नहीं करना है, वो हमने क्या करना है, गलत ही करना है। तो ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान देना। यहां पे आ गया सभी एफ के हैं, कुछ के टी हैं और कोई टी जी नहीं है। निष्कर्ष सभी एफ जी हैं, कोई एफ जी नहीं है। सभी एफ टी हैं, कोई एफ टी नहीं है। यहां से हम देखेंगे केवल या का केस कब बना कब नहीं बना। एक बार मैं वापस इसको रिपीट करवा रहा ताकि आपको दिक्कत ना आए। आपने सबसे फर्स्टली ये 100, ये 50, ये दोनों ही 50, ये दोनों ही 100, इन दोनों में आपने देखा रिलेशन नहीं बना, सेम तो थे लेकिन योग 150 नहीं बन पाया। इन दोनों में आपने देखा दोनों टी हैं, दोनों का योग 150, मतलब इन दोनों में रिलेशन है, वही पहले वाली बात सामने आई। फर्स्ट वाले का इनके साथ रिलेशन नहीं था तो फर्स्ट वाला इन दोनों के साथ नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमने देखा 100 है, 50 है, दोनों ही 100 है। इसके बाद 100 है, 50 है, दोनों ही कितने हैं, 100 है। सभी एफ जी है, एफ और जी, एफ तो जी के साथ ही नहीं आ सकता, गलत होगा। अगले वाले में भी साथ है नहीं आ सकता, दूसरा आपके पास में ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है क्योंकि साथ तो आ ही नहीं सकते हैं। अगले वाले की बात करें तो इसने कहा सभी एफ टी है, एफ ओ टी की बात करें तो एफ ओ टी साथ नहीं आ सकते, गलत होगा। अगले वाले की बात करें कोई एफ टी नहीं है, अब कोई एफ टी भी नहीं है, ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा क्योंकि ये साथ ही नहीं आ सकते और 50 से आपका 100 भी बन रहा है। तो इन दोनों में भी या का केस है और इन दोनों में भी किसका केस है, या का केस है, क्योंकि फर्स्ट वाला कथन दोनों के साथ आ ही नहीं सकता है, नहीं आ सकता है तो ये क्या होंगे, रोंग होंगे, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करें तो इन दोनों में या का केस बन रहा है, आपको इस या के केस में कभी नहीं फंसना है, ये हमेशा आपको क्या करना है, सही ही करना है। अब यहां पे अगर बात करें तो आज हमने कुछ नेगेटिव देखे, इन नेगेटिव के बारे में आपने पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए आप इतना ही करोगे, आगे की जो आप वीडियो है हम एक दो नेगेटिव क्वेश्चन करके इन पे प्रैक्टिस हम करेंगे, सभी में पीछे करके प्रैक्टिस करेंगे। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।